सलमान की सुल्तान को लेकर विवेक ओबेरॉय ने कहा कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर सलमान खान और विवेक ओबेरॉय के बीच जो बवाल हुआ था उससे तो आप वाकिफ ही होंगे। सलमान को छोड़ने के बाद ऐश्वर्या का विवेक से अफेयर रहा था और तभी से सलमान विवेक के बीच तनातनी जारी है। ऐसे में फिल्म सुल्तान को लेकर सलमान की खुलकर तारीफ करते विवेक को देख कोई भी एक पल को हैरान रह जाएगा। एक वेबसाइट से बातचीत में विवेक ने सलमान की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये देखकर अच्छा लगता है कि कोई बड़ा स्टार सामने आकर इस तरह के बिल्कुल अलग रोल निभाता है और बिल्कुल अलग विषय उठाता है। उन्होंने कहा, हमें हर अच्छी फिल्म की सराहना करनी चाहिए और एक सफल फिल्म के लिए खुश होना चाहिए क्योंकि हम सब एक इंडस्ट्री से हैं। आपको बता दें कि सुल्तान में सलमान ने एक रेसलर की भूमिका निभाई है और ये पूरी फिल्म रेसलिंग पर बेस्ड है। वैसे विवेक ने अब तक सुल्तान नहीं देखी पर वो इस फिल्म की सफलता से जरूर खुश हैं। उन्होंने कहा, मैंने सुल्तान नहीं देखी है मगर मैंने सुना है कि ये एक शानदार फिल्म है। जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मुझे ये पसंद आया। फिल्म की शानदार सफलता के लिए मैं पूरी टीम के लिए सच में बहुत खुश हूँ क्योंकि ये इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है। साथ ही विवेक ने ये भी कहा कि वो जरूर थिएटर जाएंगे और सुल्तान देखेंगे। वैसे विवेक इन दिनों 15 जुलाई को रिलीज हो रही अपनी फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती की रिलीज को लेकर उत्साहित है। हालांकि ये फिल्म पहले ही ऑनलाइन लीक हो चुकी है और इसका खामियाजा शायद इसको भुगतना पड़े। आपको ये भी बता दें कि सलमान और विवेक के बीच एक समय में स्थिति ये हो गई थी कि विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सलमान पर शराब पीकर उन्हें 41 बार फोन करने का आरोप लगाया था और कहा था कि उन्हें वो गाली दे रहे थे और घर से बाहर आने और ऐश्वर्या से अपनी दोस्ती खत्म करने की धमकी दे रहे थे। हालांकि बाद में विवेक ने सलमान से माफी मांग ली मगर उनके रिश्ते के बीच आई दरार अब भी नहीं भर पाई है। खैर, देखते हैं कि विवेक की इस तारीफ पर सलमान कुछ कहते हैं या ऐसे भी नजरअंदाज कर जाते हैं।